आगे छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 16 तारीख को कोरबा पहुंचे पीएम मोदी ने जहां किसान सम्मान निधि के लाभान्वित किसानों को सूची नहीं देने का आरोप भूपेश सरकार पर लगाया था। अब भूपेश सरकार के मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने पीएम के बयान पर पलटवार किया है। जय सिंह अग्रवाल की माने तो केंद्र सरकार को 11,98,000 किसानों की सूची सौंपी गई है, लेकिन अब तक केवल 1,13,000 किसानों के प्रकरण को ही स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 1,11,000 किसानों को राशि रिलीज की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का आरोप पूरी तरह से निराधार है। आपको पहले पीएम का कोरबा में दिया हुआ भाषण सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यहाँ की सरकार किसानों के आंकड़े नहीं दे रही। वहीं राजस्व मंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के आरोपों को झूठा करार दिया है। छत्तीसगढ़ के भी बहुत ही कम किसान परिवारों को पहली किस्त मिल पाई है, इसलिए नहीं कि चौकीदार की सरकार भेजना नहीं चाहती है, इसका कारण यह है क्योंकि यहां जो सरकार में बैठे हैं ये अपनी नैया बचाने के लिए हमें किसानों की सूची ही नहीं दे रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के साथ विश्वासघात है कि नहीं है। 11,98,000 के अगेंस्ट में 1,13,000 किसानों की राशि सैंक्शन हुई है, इसमें 1,11,000 किसानों के खाते में राशि आई है। तो पहले प्रधानमंत्री जी को अपने केंद्र की जो सरकार है उनकी वहाँ विभाग की रिपोर्ट को चेक करना चाहिए, न कि इस प्रकार की बेतुकी बातें करना चाहिए।